ला, मैं अब तेरी मदद कर देती हूँ। इतना देर कोई लगाता है नहाने में? अरे इतनी देर में मैंने ही आधा काम खत्म कर दिया। क्या दी? वैसे मुझे एक बात बताओ। हाँ? आप रात को कहाँ गई थी? हाँ? आप रात को कहाँ गई थी? वो निम्मी, तुझे कैसे पता कि मैं कहीं गई थी? दी, मुझे ना सब पता होता है। और झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि झूठ भी पकड़ लूंगी। सच सच बताओ कि कहाँ गई थी? वो मैं ना बोलो मोहित मीर को मिलने गई थी, पर वहां ना मैंने देखा कि वो जो बुआ इतनी रात को मोहित मीर से मिलने गई। आप क्या बात है, नाइट एडवेंचर। नहीं, वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, वो जब तो काम कर रही थी। अच्छा, मैं तब समझ गई थी। मैंने मना किया था पर मानने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ लाल चौक तक आ गए थे। आ गए थे? हाँ, नहीं आ गए थे, क्या बात है। फिर मुझे ये बताओ, लाल चौक तक आ गए थे? घर पे बुलाना चाहिए था, नाश्ता वास्ता करके भेजती अपने जीजू को। मम्मी, तुझे पता नहीं कल वहाँ लाल चौक में ना मैं मरते मरते बची हूँ। दी, पर मरी तो नहीं ना। वैसे एक बात तो है कि मोहित मीर ने ना आपको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। मतलब इतनी डेयरिंग, अरे रात को मोहित मीर से मिलने चली गई। यार किया तो डरना क्या। चुप कर ना मम्मी, जो कह रही है वो ध्यान से सुन, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ना बुआ को वहाँ लाल चौक में साध्वी के कपड़ों में देखा, मतलब संत जैसे कपड़ों में। ये सब है ना अशोक बाबू का किया करा है, हम का बताए। आपने इतने जोर से बोला क्या? ये शशिकला क्यों चिल्ला रही है? सुन 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 निम्मी, मैं नहीं जा रही हूँ, तू ही नीचे जा। कहीं हड़बड़ाहट में मैंने कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप काम करो, मैं जाके आती हूँ। चलो। हाँ। दिमाग खराब कर दिया है उन्होंने हमारी बिटिया को, जिंदगी खराब कर दी। इलाने कहा सल्लाने सन्यास ले लिया, बर्बाद तो कर दी है ना जिंदगी दोए मास्टर ने हमारी बिटिया की। तो तूने तूने पैसों के लाने हमारे नाती और बेटी को गायब किया का? का कर रही है? जब से तू आई है ना हम देख रहे हैं ये सल्ला की गृहस्थी है ना नौटंकी का मैदान बन गई है। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। तू है ना कहीं से भी हमारे नाती और हमारी बिटिया को ढूंढ के ला। सोच रहे हैं पुलिस में जाके बताए। का कहे पुलिस में? इधर है सल्ला, यहाँ दिखी यार। त्योहार है, पुलिस भी का कर सकत है। तो वही हम सोच रहे हैं कि जाए कि ना जाए पुलिस के पास, पर अब ढूंढना तो है। ये सोना सोना तू जा, ये है ना, नहीं तू डटी रहे हमारे कमरे में, तू डटी रहना बाहर, किसी को मिलने मत देना सोनल को। हाँ, नहीं तो उसको भी गायब कर देंगे ये लोग। ये देखो का कर। हाँ तो हम सल्ला को। अम्मा जी कहाँ जा रही हो? अम्मा जी, दादी ये ना, ये सरला ने हमारे नाम में सर। अम्मा जी, ये सरला सरला करके काहे रो रही हो? अरे अब वो सरला नहीं रही, अब वो साध्वी सरला हो गई है, जोगन हो गई है तुम्हारी सरला। सरला जोगन? हाँ अम्मा जी, हमारा दूध वाला बता रहा था कि लाल चौक में बरगद का पेड़ है ना कुएं के पास, उनके नीचे साधना में लीन बैठी है सरला। सरला साधना में लीन? हाँ अम्मा जी। नहीं, कोई और होगी है, हमारी सरला तो हरिद्वार गई है। वैसे भी सन्यास लेना हो ना तो हरिद्वार ही जाते हैं, सन्यास की ट्रेनिंग हरिद्वार में ही मिलती है। और वैसे भी जिसकी लड़की भाग गई हो और जिसके पति की कैंटीन भी बंद हो गई हो, वो बेचारी सन्यास नहीं लेगी तो और क्या करेगी? अगर हमारे पास अभी टाइम होता ना तो तुम्हारा टेट में दबा देती। अरे सुजी। अरे मम्मी। अरे अरे खड़े काहे हो, बैठो ना।
उना, हमको तुमसे एक बात कहना था। कहिए ना मम्मी। अरे कहना क्या मम्मी, आप तो ऑर्डर कीजिए, बताइए। अरे नहीं बेटा, वो हम तो ये कह रहे थे कि धनतेरस है ना, तो फिर थोड़े से ज्यादा पैसे चाहिए थे। फल फ्रूट खरीदना है, मिठाई विठाई, कपड़ा, पूजा का सामान, दान पुण्य करने के लिए। तो अरे मम्मी आप भी ना, आप इस तरह पैसे मांगती हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे पैसे मत मांगा कीजिए। मॉम जी सुनिए प्लीज, एक बात का, इफ यू डोंट हैव अ माइंड, आप ऐसे ना पैसे मत मांगा कीजिए, अच्छी बात नहीं होती, बैड हैबिट्स होती है। कितनी हार्डवर्क से कमाए जाते हैं पैसे, आपको पता है हम पार्लर में नौकरी करते थे, मतलब बिजनेस करते थे, तो हमें पता है कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। आपने तो कभी मेहनत की नहीं है ना। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आपको मुफ्त में मिला तो आपने घिस लिया, मेहनत तो कभी की नहीं। मेहनत तो सुजीत जी करते हैं, इतना हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि पूरी जिंदगी ऐसे मुफ्त में सामान तो मिलेगा नहीं आपको। देखिए देखिए, आप चुप रहिए, हम जानते हैं कि आप अपने दिल की बात अपनी मॉम जी को नहीं बता सकते, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा कि ये घर ऐसे नहीं बना है। और आप जितनी मेहनत से पैसे कमाते हो और ये ऐसे ऐसे करके उड़ाती है। शट अप परी, जस्ट शट अप। कुछ भी बोले जा रही हो अब, अगर आपने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो एक खींच के थप्पड़ मारेंगे आपको। सुजीत जी आप ऐसे बात कर रहे हैं हमसे, हम तो आप ही की साइड्स ले रहे हैं। देखिए आपने आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलिएगा, वरना हम सुसाइड कर लेंगे सच्ची वाला। तो कर लो। तुम होती कौन हो माँ बेटे के बीच में बोलने वाली? हाँ घर में इतना काम पड़ा, जाओ करो कुछ और करो, यहां से जाओ चलो। अरे परी जी कमाल करती हैं आप, हम इसलिए कमाते हैं ताकि मम्मी जी को और हमारे परिवार को किसी भी चीज की कभी जरूरत ना महसूस हो। और हमारा जो पैसा है ना वो मम्मी जी का ही है, हमारे पूरे परिवार का है। हम यही बात समझा रहे थे मम्मी जी को और आपने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। हमें मम्मी वो कुक है, चेकबुक का है। इधर व्हाट द हैपन मम्मी जी? बढ़िया है, मुंह खोलने वाली। अब गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना, चलो माफी मांगो। सॉरी मॉम जी। ऐसे नहीं, उठक बैठक करो। बढ़िया है बिजनेस करने वाली। हाँ कभी बाप ने भी तेरे बिजनेस किया था? तेरे को क्या लगता है हमको पता नहीं कि तुम पार्लर में क्या करती थी? बिजनेस? अरे पेशेवर नौकरानी थी और हमेशा वही रहोगी। चलो अरे उठक बैठक। मम्मी जी नहीं ना, वो परी जी आप नीचे क्यों हैं? वो बेटा वो धनतेरस के लिए आशीर्वाद दे रहे थे उसको। अच्छा अच्छा मम्मी चेकबुक दीजिए। अरे क्या कह रहे, तुमने साइन तो कर दिया था ना अभी। तुमने साइन कर दी? हाँ हमसे बातें करते करते भूल गए का। अच्छा हाँ हमने तो साइन कर दिया। मम्मी आप ये लीजिए, हमें स्टडी रूम तक कुछ काम है। हाँ। आते थोड़ी देर में। परी जी ऐसी बदतमीजी दोबारा मत कीजिएगा वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो ना बेटा, हम आते हैं। हाँ। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से का काम रे, झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना झूठी है ये काया, हो यहाँ साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से का काम रे, बनवारी।
करना पड़ेगा। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे हमें दुनिया वालों से का काम रे। शादी सल्ला की, शादी सल्ला की, शादी सल्ला की। सब कहा सल्ला, चल चल यहाँ से। जी जी आंखें खोलो, साथ में कर लेंगे भजन, लेकिन आंखें खोलो। यहाँ भक्तजनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इन्हें तंग ना करें। साध्वी सरला इस समय गहरी तपस्या में लीन है और इन्होंने मोह माया सारी चीजों को त्याग दिया है। बंद कर तेरी नौटंकी, काहे की सन्यासिन, बहू बेटा पति गृहस्थी सब कुछ है, हम उसकी अम्मा है और जिंदा है अभी तक। काहे सरला है, बुद्धि छोड़ आई गंगा घाट पे। चल बंबई सैर करा के लाते हैं तुम्हें, मन थोड़ा बदल जाएगा। चल पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, हरख हरख अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। साधवी सल्ला की, साधवी सल्ला की, साधवी सल्ला की। कि हमारे खड़ताल तुम्हारे मन की आंखें खोल देंगे। माते तुम का बात कर रही हो, कौन सी बिटिया और किसकी अम्मा? हम केहू की बिटिया नहीं है माते। नाटक की बंद कर, हाँ नहीं तो जूता पुजाई करेंगे तेरी। अरे पहचानो हमको, देखो ना माई है, हम आए हैं, देखो ना मैं ताहरी आए। हे राम, बांधो इसकी पुड़िया और ले चलो घर, चलो। नहीं आप लोग इन्हें नहीं ले जा, नहीं ले जा सकते। नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, नहीं। जूता पुजाई तुम्हारी करे, कहा पुलिस को बुलाए, बुलाए जीजी, उठो चलो चलो, जाओ अपने अपने घर, सब निकलो। संभाल के रखो मम्मी जी। सरला, अरे ओ सरला, का हो गया? ये पानी लाओ, पानी लाओ कुसिया, ठंडा लाई पानी थोड़ा। हाँ देख, थोड़ा मुंह पे देख, उसमें आ रही है। अरे अरे क्या हो गया श्रीमती जी को? अरे श्रीमती जी, श्रीमती जी होश में आइए, ये क्या हो गया आपको? देखिए हमने ना रास्ता खोज लिया है, हम एक काम करेंगे, हम अपने घर के नीचे ही ठेली चलाएंगे हैं, आपको ठीक करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, आप होश में आइए। नौटंकी बंद कीजिए, जिंदा है मरी नहीं सरला, और तो की तरह आंसू बहा रहे हैं। पर ये सब हुआ कैसे? आपकी वजह से। हमारी वजह से? हाँ, उसको सन्यासिनी बनना पड़ा। आप उनका कह रहे हैं, आप यहाँ से जाइए, आपको देख देख के हमारा माथा गर्म हो रहा है, आप जाएंगे तो ही हम शांत हो जाएंगे। हमारी बीवी है ये, देख लिया आपका पत्नी धर, सिवाय दुख और दर्द दिया ही कहा है उसको, आप जाइए यहाँ से। पर वर छोड़िए, आप बस जाइए, हमारे मुँह से कछु निकल ना जाए। मम्मी जी उठिए ना, मम्मी जी बताइए ना अमित जी कहाँ है, वो तो आप ही के साथ गए थे ना। हाँ हमने भी देखा था तुम्हें रिक्शा में अमितवा के साथ। दादी जी हम ऐसा करते हैं, डॉक्टर को बुला लेते हैं, उनका चेकअप भी अच्छे से कर लेंगे। हाँ तू लगा फोन वा। अरे डॉक्टर आया तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, उसके आने से पहले हमें उठना पड़ेगा। देख आ गया हो। हमने तो तुम्हें रिक्शा में देखा था। अरे तुम हमें रिक्शा में कैसे देख सकती हो अम्मा,
हमने तो फोन पे तुम्हें बताया था ना कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, फिर तुमने हमें रिक्शा में कैसे देख लिया? मम्मी जी, हम सब बताते हैं, हमको सब पता है। जब आप रिक्शे से इनको लेके जा रही थी ना, तो नानी जी ने देखा था, वही पूछ रही है वो। अरे, हम तो फौरन ही निकल गए थे। रनिया, तू का बात कर रही है, का हो गया है तुझे बिटिया? अरे मम्मी जी, हमको कुछ नहीं हुआ, हुआ तो आपको है। हम कितनी देर से पूछ रहे हैं कि अम्मी जी कहाँ है, कहाँ, आप बता ही नहीं रही हो। कहा उन्होंने भी संन्यास ले लिया है का? नहीं, वो गया है बद्रीनाथ। है? बद्रीनाथ चले गए? हम निकले तो हरिद्वार के लिए थे, ते बद्रीनाथ कहीं पहुंच गए? मम्मी जी, अब सच बोल रही है का? बस कर, अभी होश आया और तू तो उसके पीछे ही पड़ गई। तू तो रिक्शा में पीछे थी, तुझे क्या पता कि आगे की रिक्शा में कौन है? हाँ, वो तो बस बस मुंह बंद रख, वरना यहाँ से चलती कर देंगे, बता रहे। हमें शांति सदन कौन ले आया? हम तो यहाँ नहीं आना चाहते थे, हम किसी पर कौनो बोझ नहीं बनना चाहते। हमें तो बस हम अपने हाल पे ही छोड़ दो। आप ऐसा क्यों बोल रही है बुआ जी? हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं और आपका चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, हमने कहा ना हम पहले से ठीक। तो फिर बात क्या है? आप तो अमित के साथ गई थी ना, तो फिर अचानक वापस क्यों आ गई और अमित कहाँ है? कचहरी बाद में खोलना, जा तू पहले नींबू पानी बना के लेके आ और दो चुटकी नमक भी डाल देना। देख, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हिम्मत से काम लेना चाहिए, समझी? चल, मन बहलाने के लिए तुम्हें बाजार लेके जाते हैं खरीदारी करने। जा खुशिया, तू एक साड़ी लेके आ और तू हाथ मुंह धो ले और कपड़े बदली कर ले, हम जाएंगे बाजार। का तू अभी तक यहाँ डटी है? नई साड़ी निकालना, धनतेरस है, धनतेरस की शॉपिंग करने जाएंगे अपनी बिटिया को लेके। अभी आते हैं? नहीं नहीं अम्मा, नहीं, रहने दो, हमें कहीं नहीं जाना। अम्मा, सच बात तो ये है कि हमने तुमसे झूठ बोला, झूठ बोला। आप तो, हम बस ये ठान चुके हैं कि हम बस भगवान में ही मन लगाएंगे, हमारे बच्चों को तुम ध्यान, हमारी सोनल को हो सके तो अपने ही पास रख लेना। अरे पंडितायन का भूत घुस गया क्या तुझ में है? ये भगवा रंग काहे चढ़ा लिया? ए सरला, बताना ऐसा क्या हुआ कि हमसे झूठ बोलना पड़ा? हम जानते हैं कि तुमने हमें ही रिक्शे में देखा था, हमें मालूम है कि तुम हमारे रिक्शे का पीछा कर रही थी और तुम हमें सरला सरला के की आवाज दे रही थी, ये भी हमें मालूम है अम्मा। लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? शुरू कर दो, बड़ा वाला बम फटने वाला है, बस कैसे फूटेगा देखना। क्या कर रही हो? वक्त से बचा कर। काहे जाना पड़ा? काहे कि अम्मा, एक बात है जो हम तुमसे छुपाना चाहते थे। इसीलिए हमें जाना पड़ा। इधर कई दिनों से हमें बहुत चक्कर आ रहे थे, तो हमने सोचा ऐसे ही टेंशन के मारे आ रहे होंगे, ध्यान नहीं दिया। अमित की शादी में भी हमें बहुत बहुत चक्कर आ रहे थे, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया और फिर वो परिपाक, फिर तो हमारे चक्कर बहुत ही बढ़ गए। अभी तो दो चार दिन पहले इतने चक्कर आए कि हमें पता ही नहीं चला और हम नीचे गिर पड़े। क्या हुआ क्या नहीं कुछ मालूम ही नहीं पड़ा और फिर पता चला कि क्या हुआ है। क्या पता चला? हाँ।
हमें कैंसर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।